बिंद क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभा जनन का प्रणाम करी थे। आज हम जैसा कि अपना यह संगीत के साथ सज्जा देखी लहे, आज शरद पूर्णिमा और कुमार मास के अंतिम दिन आज आमंत्रित करे हैं स्टूडियो में दुई कलाकार बिंद के, और कलाकार है भर नहीं कहे कि संगीत मतलब साक्षात सरस्वती, और सरस्वती के यदि वंदन करे को तो संगीत से बड़ी साधना कोनो नहीं हो। जोने खेती राज हम आमंत्रित करे हैं सृजन मिश्रा, छोट का बच्चा देखा तो मगर कहा थे ना कि कोनो चीज़ के छोट से अपना अंदाजा नहीं लगा इसकी कि वो कितना बड़ा आघात कह सका थी या बार कह सका थी, ऐसे एक छोट कलाकार है। और आज अपना पंचन के प्यार खेती राज आमंत्रित करे हैं और लोगन के बीच अपना का इनसे कुछ हम मुखातिब कराऊ कि कैसा संगीत के ओर अपना अग्रसर भें, और साथ में उनकर गुरु अवतार कृष्णा हैं, बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा जी। अपना तबला में हैं, अपना हारमोनियम में खुदम सृजन मिश्रा हैं, बहुत अच्छा गावत है। एक थे बघेली गीत से हम आज की यह पूरे परिचर्चा के शुरुआत करी थे, तो बघेली गीत शुरू की जाएगा। अपना सुनन मधुर आवाज़ सृजन मिश्रा तबला में अवतार कृष्णा जी के, बहुत मधुर सांग रहा, बहुत मधुर गीत रहा। जैसा संगीत के साधना में कितनी लगन हो थी, और ये मासूम हाथ जब हारमोनियम में अपन अटखेली करते हैं तो ओकर एक विहंगम दृश्य होते है। हम पूछे थे सृजन यह जैसा अपना हारमोनियम कब कब से बजाया रहे? हम बजा रहे 8 दिसंबर से। 8 दिसंबर मतलब 2018, मतलब एक साल में आज पूरी तैयारी है। कै में के गाना गाए ली थे अपना? हम राग गाए थे और क्लासिकल और शास्त्री। तो राग में कौन राग थे, कौनो गाय के सुनाई? राग रूपाली। राग रूपाली सृजन मिश्रा राग रूपाली के अपन प्रदर्शन करी जी, शुरू करी। सरे Thank you.
यह अब सुनन अपना राग। अब हम पूछे थे कितनी कई साल के हैं अपना? 10 साल। 10 साल के महज उम्र ही और 10 साल में इतना संगीत के प्रति समर्पण के भाव जो अपना पंचे देखे लगे राग या फिर कही हारमोनियम या कहाँ से प्रेरणा मिली है उसको अपना के गुरु को? माँ गुरु अवतार कृष्णा सर जी और सलैया के योगेश्वर तिवारी सर जी जो है बाहर हैं। तब भी कहा था ना बिन गुरु ज्ञान न हो, तो गुरु के जब आशीर्वाद होते हैं आशीष होते हैं तो निश्चित रूप से शिष्य हर विधा में पारंगत होते हैं। और माँ सरस्वती की उपासना में हम पहले कहें कि संगीत से बड़ा कोनो माध्यम नहीं है, तो वह संगीत से जुड़ा कुछ और अपना का सुनावे चाहिए थे आज? और मधुबन में राधिका जन गाना है ओकर तान। हाँ सुनाई मतलब तराना। महज उम्र 10 साल में जब लोग सात सुर सीखे में लगाए देते थे वह समय आज
इस सात सुरन का जब खेले लागे तो वह उम्र में सोची कि अब आगे आवे वाले पड़ाव में कितना अच्छा बेहतर प्रदर्शन करी। आज हम वादा के अनुसार जैसा हर रविवार का अपना का संगीत से जोड़ी थे वह मैं आज यह मंच सजा। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा जी और सृजन जी जो आज या शरद पूर्णिमा में बेहतरीन संगीत के या मंच सजाइन और सब दर्शकन का आज शरद पूर्णिमा के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।